फोन टैपिंग हा गंभीर विषय है। खरं म्हणजे फोन टैपिंग हा जो प्रकार जो देशामध्ये सर्वत्र सुरू आहे, ही गोष्ट व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या विरोधामध्ये आहे, लोकशाहीला मारक आणि कायद्याने सुद्धा या गोष्टी अनुज्ञेय नाही आहेत। परवानगी घेतल्याशिवाय कुठल्या गोष्टी करता येत नाहीत आणि त्यामुळे अशा गोष्टी ठीक हा रश्मी शुक्लांच्या बाबतीत मला काही टिप्पणी करायची नाही, कारण तो चौकशीचा भाग असल्यामुळे त्यातून जे काही सत्य पुढे येईल त्यात तो त्याप्रमाणे पुढचा विषय राहील। परंतु एकंदरीतच फोन टॅपिंगच्या विषयी निश्चितच देशामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला योग्य नाही अशी गोष्ट आणि ती होऊ नये अशी अपेक्षा आहे। राइट टू प्राइवेसी महत्वाचा आहे। ठीक, हिंदी हिंदी सर आपसे जानना चाहेंगे फोन टैपिंग मामले को लेकर, देवेंद्र फडणवीस उस दौरान होम मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के, देखिए मैं जनरली मैं कहना चाहूंगा कि फोन टैपिंग करना उचित नहीं है। व्यक्तिगत जो इंडिपेंडेंस है उसके खिलाफ में ये बात है, जैसे राइट टू प्राइवेसी की बात है उसके खिलाफ ये है, कानून में भी ये परमिसिबल नहीं है। और ख़ास करके ये जो किया गया है वो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए किया गया है ऐसे सुनने में है। तो मेरा तो सभी लोगों का ये कहना है कि ये हमारे देश में ऐसी चीज़ें होना उचित नहीं है, अनलेस इट इज़ लिंक टू सम क्रिमिनल एक्टिविटी जहाँ पुलिस ने उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल कुछ चीज़ नज़र आई हो तो बात समझ सकता हूँ मैं, पर इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी को नुकसान करने वाली जो बात है वो कानून के तौर पे भी गलत है। छत्रपतींचा विचार म्हणजे